गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अविनाश सर्स इंग्लिश अकेडमी हिंगनघाट। तो आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं, टेंसेस पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टेंस एक बेसिक होता है, जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, आपको मल्टीप्लीकेशन जो है या एडिशन है, सब ये जो है मतलब डिविजन वगैरह, जो बेसिक स्किल्स जो है वो आनी चाहिए। उसी तरह से अगर इंग्लिश में आपको ग्रामर बहुत ही अच्छी तरह से समझना है तो दो चीजें आपको अच्छी तरह से आनी ही चाहिए। एक तो टेंस, जो टेंसेस हम बोलते हैं वो, और दूसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं आती तो आप ना ही अच्छी तरह से चेंज द वॉइस कर सकते हैं या फिर नरेशन आपको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को लेके आए हैं, टेंस। और टेंस में से भी आज का हम आ रहा एक सीरीज रहने वाला है टेंस का, तो उसमें से पहला है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और फिर इसी तरह से हम बचे हुए 12 टेंस करने वाले हैं। ओके, तो टेंस में बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। तो एक है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसमें थ्री मेन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। इसके भी टाइप्स है एक्चुअली, मतलब प्रेजेंट टेंस में चार टाइप्स है, पास्ट टेंस में चार टाइप्स है और फ्यूचर टेंस में भी चार टाइप्स है। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इतने सारी चीजें हम एक वीडियो में तो नहीं पढ़ सकते, तो आज हम ये जो रेड में लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस वो पढ़ने जा रहे हैं। कमिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो दुनिया में अगर सबसे इजी स्ट्रक्चर अगर किसी टेंस का है तो वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उसका नाम ही सिंपल है, तो उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कितना इजी है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब का भी पहला फॉर्म। तो ध्यान रखने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको ये नोट डाउन करना है, लिखना भी है। मैं ये टॉपिक बहुत ही बेसिक बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं, ये 12th या 10th के बच्चे भी देख सकते हैं, रिवाइज हो सकता है उनका सिलेबस। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहां एक एग्जांपल लिखा है कि आई राइट आर्टिकल्स। तो आई इज अ सब्जेक्ट, राइट इज अ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट। तो वर्ब के भी कोई टाइप्स होते हैं क्या? तो ऑब्वियसली टाइप्स होते हैं, जो मैंने नीचे चार लिख के दिए है। ऑब्जेक्ट जो है वो आर्टिकल है, तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाए? व्हाट को हम क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट राइट, तो आंसर आता है आर्टिकल। व्हाट और हुम से क्वेश्चन वर्ब को पूछा जाता है, तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है। तो हियर आर्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट। तो वर्ब्स के जो चार टाइप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, मैंने नीचे लिखे हुए, राइट, रोट, रिटन और राइटिंग। तो बच्चे राइटिंग में मिस्टेक्स करते हैं, जहां डबल टी लिख लेते हैं, राइटिंग में सिंगल टी है और रिटन में डबल टी है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो यहां राइट लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, तो ये एक सेंटेंस है, आई राइट आर्टिकल्स, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, हम आगे जाके और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहां सब्जेक्ट की जगह मैंने आई वी यू दे ही शी इट, और ये सब पर्सनल प्रोनाउंस लिखे हुए हैं। उनके सामने वर्ब्स, मैंने एक कॉमन वर्ब रखा हुआ है प्ले। तो आई प्ले, प्ले इज अ वर्ब विच इज इन अ फर्स्ट फॉर्म। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले खोखो, और यू प्ले लंगड़ी, दे प्ले ए। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट वी नीड टू अंडर। चलो सेंटेंसेस बनाना इजी इसलिए है क्योंकि मैंने सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी रेडीमेड दे दिए है, आई वी यू दे ही शी इट। ओके, तो आई के सामने प्ले आता है, वी के सामने प्ले है, यू के सामने प्ले है, दे के सामने प्ले है और ही के सामने प्लेज है। तो ही के सामने सर प्लेज क्यों? क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ही के सामने प्लेज इसलिए है क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन है और वो भी सिंगुलर है। तो आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए प्लेन रूट वर्ब आया, इसके सामने ना ही यस लगा है, ईएस लगा है। वी भी फर्स्ट पर्सन है, इसके सामने इसलिए यस, ईएस, आईएस कुछ भी लगा नहीं है। तो जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, जैसे यू सेकंड पर्सन है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के सामने वर्ब एकदम प्लेन आता है, उसको यस, ईएस, आईएस लगता नहीं है। फिर तो सर आपने दे के सामने भी प्ले ही लिखा, यस लिखा नहीं, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है, प्लूरल है। अगर थर्ड पर्सन हो और वो भी सिंगुलर हो तो ही यस, ईएस, आईएस लगता है। जैसे ही थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है, शी थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर है, इट थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर है, इसलिए यस यस लगा हुआ है। अभी भी थर्ड पर्सन है और वो भी सिंगुलर है, इसलिए यस लगा हुआ है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलग रूल्स है, मैं वो बाद में पढ़ाऊंगा आपको। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले खोखो, यू प्ले लंगड़ी। इतने इजी एग्जाम्पल है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, आप खुद के भी सेंटेंसेस हो सकते हैं। आप खुद भी जो मतलब खुद भी एक सब्जेक्ट ले लो और उसके सामने वर्ब डाल दो और एक ऑब्जेक्ट डाल दो, सेंटेंस तैयार, सिंपल।
इतने इजी तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, तो ये बचे हुए सेंटेंस आपको लिखने हैं, जैसे दे प्ले, और यहां आपको क्या प्ले करते हो वो लिखना है। ओके, देन कमिंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, मोर एग्जाम्पल्स हम उसके देख लेते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आयुष गोज टू बेड एट 10 PM। आयुष फर्स्ट फॉर्म, गोज वर्ब का पहला फॉर्म है। सर गो तो पहला फॉर्म है, हाँ गोज भी पहला ही फॉर्म है। आयुष जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के कारण हम उसको ईएस लगा हुआ है यहाँ, गोज। तो आयुष गोज टू बेड एट 10 PM। या और कुछ एग्जाम्पल्स है, वैभव ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, वैभव हमेशा यहाँ संडे को आता है। वैभव कम्स, कम्स जो है वर्ब का पहला फॉर्म है। सर इसको भी यस लगा के रखा है आपने, क्योंकि वैभव भी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर। दुनिया के जितने भी नाम है किसी वस्तु को या किसी आदमी को दिए गए हैं, वो सभी के सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, इसलिए उनके सामने जो वर्ब आता है उनको यस, ईएस और आईएस लगता है। इसका मेरा ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है, मैं आपको वो भी भेज दूंगा कि व्हाट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो आयुष गोज टू बेड एट 10 PM, वैभव ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, सलोनी टेक्स टी विदाउट शुगर। तो टेक्स वर्ब का पहला फॉर्म है, यस लगा है क्योंकि सलोनी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स है, आप खुद के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। आई हैव गिवन हियर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ यू नो वर्ब्स। तो वर्ब्स आर गिवन इन अ थ्री फॉर्म्स, यू नीड टू फॉर्म योर ओन सेंटेंस, यूज दिस फर्स्ट ब्लॉक एक्चुअली प्रेजेंट फॉर्म। तो ये फर्स्ट वाला जो प्रेजेंट फॉर्म है ओपन, पास्ट फॉर्म जिसका ओपन है और पास्ट पार्टिसिपल भी ओपन है। तो मैंने तीन चार वर्ब्स ऑलरेडी दिए गए, यहाँ के भी वर्ब्स लेके आप खुद के सेंटेंस तैयार कर सकते हो। ओपन, लव, वॉश, स्विम, गो। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसी तरह से आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, जो कि काफी इजी है। आई थिंक आई मिस्ड वन मोर थिंग। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहाँ करते हैं सर? हर मतलब कोई सिचुएशन तो होंगी वहां हम यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक सिचुएशन है, दो एक दो सिचुएशन है वहां आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हैबिचुअल चीजें हो तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं, हैबिट्स है तो। जैसे आई टेक अ ट्री, तो ये टी जो लेना है इट्स अ हैबिट। आई रीड अ बुक, इट्स अ हैबिट। आई गो टू स्कूल, हैबिट का ही या रेगुलर पार्ट है वो। हैबिट हो या रेगुलर हो तो उसकी जगह उस वक्त आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। रिपीटेड एक्शन को भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। रिपीटेड एक्शन, जो एक्शन हमेशा होती है, ओके, तो उस वक्त भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे यहां नीचे एग्जांपल दिया है, सलोनी टेक्स अ टी विदाउट शुगर, तो वो शुगर विदाउट शुगर टी लेती है, इट्स अ रेगुलर एक्शन एक्चुअली। तो इसलिए ये सेंटेंस आया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आई थिंक वन मोर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल ट्रूथ रहा तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ रहा तो, जैसे सन राइजेस एट द ईस्ट, सन जो होता है वो हमेशा ईस्ट राइज होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी बदलने वाला नहीं। तो ये सेंटेंस पास्ट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, और फ्यूचर में भी बोलोगे आप तो ये ऐसे ही आएगा, ना कि वो वेस्ट आएगा, तो वो ईस्ट से आएगा। तो सन राइजेस एट द ईस्ट, ये सेंटेंस रहेगा प्रॉपर, वो हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं, ये आज भी है, कल भी और हमेशा रहेगा। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। टू एंड टू इज अ सब्जेक्ट, मेक यहां वर्ब का पहला फॉर्म लिया हुआ है, तो ये है वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म, और फोर यहां ऑब्जेक्ट है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, तो वाटर 100 डिग्री में बॉइल होता है। तो ये तीनों सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे हुए हैं। तो कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ आपको बोलना है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। ओके, इस तरह से आज हमारा एक शॉर्ट वीडियो आज हमने यहां देखा है। आपको एक्सरसाइज के लिए भी मैंने वीडियो में कुछ चीजें दी गई है, आपको एक्सरसाइज करना, जैसे वर्ब को यूज करके आपको सेंटेंसेस तैयार करने सिंपल प्रेजेंट टेंस के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड यू नो वी विल हैव अ नेक्स्ट वीडियो ऑन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, थैंक यू सो मच।